नमस्ते, मैं डीके। आप सभी को नेशनल फेस्टिवल स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि आज का दिन एक विशेष दिन है जो हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इस आजादी की खुशी के लिए हम स्वतंत्र दिवस को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस त्यौहार के दिन हम अपने घरों पर, ऑफिस में तिरंगे को लगाते हैं और उसी तिरंगे का अभिवादन करते हैं। आप लोगों को पता है तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, जो हमारे देश का गर्व है। तिरंगा तीन रंगों से बना है, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है, और इसमें एक अशोक चक्र होता है जो हमारे देश को प्रतीक हमारे देश को दर्शाता है। इन रंगों का भी एक महत्व होता है जो हमारे देश की विशेषता को बताता है। सबसे पहला केसरिया, केसरिया साहस उत्साह को दर्शाता है जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में है। सफेद रंग शांति को दर्शाता है, जो शांतिपूर्वक काम को करने में हिंसा से दूर अहिंसा के रूप में जाना जाता है। और एक होता हरा, जो हरियाली को दर्शाता है। और हमारा अशोक चक्र जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, जो ऐसा दर्शाता है जो हमेशा लगातार काम करना, कभी काम को रोकना ना रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू काम चलना चाहिए, जो ये काम के दर्शाने के लिए अशोक चक्र को दर्शाया गया है। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी जान है। इसी तिरंगे को लेकर हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं, इस तिरंगे का अपमान न किया जाए। हम जानते हैं अपमान कोई भी करना नहीं चाहता है, अपमान होता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। तिरंगा क्या होता है? 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हर 15 अगस्त पर हम इस त्योहार को बनाते हैं स्वतंत्र दिवस के रूप में। 15 अगस्त के दिन जब हम झंडा अपने घरों पर, तिरंगा अपने घरों पर लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, 15 अगस्त के दिन तो सभी के घरों पर, सभी के ऑफिस पर झंडा दिखता है जिसका अभिवादन करते हैं। लेकिन दूसरे दिन 16 अगस्त को वही झंडा कभी कभी सड़कों पर पड़ा हुआ दिखता है, झंडा फटा हुआ मिलता। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप झंडे का इस प्रकार से अपमान ना होने दें। ठीक, अगर हो भी जाता है, किसी गलती से हो जाता है, बच्चे के हाथ से छूट जाता है, बच्चा फाड़ देता है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप उस झंडे का सम्मान पूर्वक उसको उठाकर सही जगह पर उसको रखें। धन्यवाद।